आज के इस भागम भाग में आदमी इतनी चिंता और टेंशन में जीने लगा है, इतनी पीड़ाओं में जीने लगा है कि उससे ध्यान अनिवार्य हो गया है। ध्यान के बिना ये मुश्किल है कि हम अपने भीतर संतुलन बना के रख सकें। हालांकि कुछ दिन पहले तक का इतिहास आप उठाकर देखें तो हमारे ऋषि मुनियों ने थोड़ा ध्यान को कठिन बना दिया। ध्यान को इस रूप में प्रस्तुत किया गया, ध्यान योग को इस भांति से समाज में रखा गया कि लोगों ने ये समझा कि ये सामान्य आदमी की बात नहीं। ध्यान योग वही कर सकता है जो घर छोड़ दे, जो रंगीन कपड़े छोड़ दे, जो शरीर पर राख लपेट ले, जो शमशान में बैठ जाए, एकांत गिरी कंदरा गुफा में बैठ जाए, वही ध्यान योग कर सकता है। और इस वजह से हमारे समाज के लोग ध्यान योग से जुड़ नहीं पाए। उन्होंने ये मान लिया कि ध्यान हम सब नहीं कर सकते, हमारे वश की बात नहीं है। इसकी प्रस्तुति ऐसी हो गई कि हम जीवन जीते हुए ध्यान को धारण नहीं कर सकते। और इसका पोषण मिलता है पुराणों में। आप सबने पुराणों में कथाएं पढ़ी है कि अमुक ऋषि ध्यान कर रहे थे और ध्यान करते करते ऐसा लीन हो गए कि शरीर पर चींटियां चढ़ने लगी, मिट्टियां जम गई, बांबी तैयार हो गई। अब लोग ये कहानी जब पढ़ते हैं कि ध्यान करने वाला तो लीन हो जाता है, तो एक गृहस्थ आदमी सोचता है हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है कि हम गिरिकंदरा में जाके ऐसा ध्यान कर सकें। पुराणों में आप कथा पढ़ते हैं कि एक संत ऐसे हैं, एक ऋषि ऐसे हैं जो खड़े खड़े ध्यान में लीन हैं और ऐसा खड़े हैं कि वहाँ से वो हटते ही नहीं हैं, एक जगह स्थिर हो गए हैं। अब इतना लंबा समय तक वो खड़े रह गए कि शरीर सूख करके कांटा बन गया। अब सामान्य आदमी सोचता है कि हमारे पास इतना टाइम कहाँ है जो हम खड़े रह सकें। उसमें कहानियाँ आई कि कोई एक हाथ उठा के खड़ा है ऊर्ध्वबाहु, कोई पंचअग्नि ताप रहा है, कोई पानी में बैठा तप कर रहा है। ध्यान योग को इतना भयंकर बना के प्रस्तुत किया गया कि सामान्य आदमी कहा ये मेरे बस की बात नहीं, हम तो ऐसे ही ठीक। और इस वजह से हमारा समाज दो भागों में बट गया। एक को योगी कहलाया, एक वर्ग को हमने योगी कह दिया और एक वर्ग भोगी कहला गया, जो कि ये बहुत दुख की बात है। ध्यान ऐसा नहीं है जिसके लिए घर छोड़ना पड़े, ध्यान ऐसा नहीं है जिसके लिए एक जगह दस दस घंटे खड़ा होना पड़े। इस तरह की प्रस्तुति से मानवता में एक बहुत बड़ी गिरावट ये आई कि आदमी ने यह सोच लिया कि मुझसे ध्यान नहीं हो सकता। जैसे सत्संग के ही बारे में आप विचार करिए, लोग ये मान लेते हैं कि कहीं पंडाल लगा हो, कहीं आयोजन हो, चार घंटे वहां बैठेंगे, कोई कथा भजन होगी तो सत्संग होगा। इस वजह से बहुत लोग सत्संग नहीं कर पाते हैं, जबकि सत्संग का अर्थ ही दूसरा है, पूजा का अर्थ ही दूसरा है। सदगुरु कबीर कहते हैं जह जह डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। वे कहते हैं तुम्हें मंदिर जाओ, तुम मंदिर जाओगे तो ही पूजा होगी, ऐसी बात नहीं है। तुम सत्संग में बैठोगे तो ही सत्संग होगा, ऐसी बात नहीं है। मंदिर में जाकर के बाहरी प्रक्रियाओं को तुम पूरी करते हो, वस्तुतः पूजा तो यह है कि तुम्हारा मन पवित्र हो तो घर में झाड़ू लगाओ, पूजा हो गया। तुम्हारा मन पवित्र है तुम शौचालय साफ करो, पूजा हो गया। तुम्हारा मन पवित्र है तुम सड़क में झाड़ू लगाओ, पूजा हो गया। जहां जहां कुछ भी आप पवित्र मन से करते हैं वो कर्म पूजा बन जाता है। ध्यान के संबंध भी सदगुरु कबीर की राय सबसे भिन्न हो गई, जहां लोगों ने कहा कि इस भांति आपको सारी प्रक्रियाओं को पूरा करना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा, वस्त्र छोड़ना पड़ेगा, गांव समाज छोड़ना पड़ेगा, जंगल जाना पड़ेगा, साहब ने कहा व्यर्थ की बात है। ध्यान के लिए अलग से कोई इस तरह का कर्मकांड करने की जरूरत ही नहीं है, ध्यान के लिए इस तरह का तामझाम करने की जरूरत ही नहीं है। जब हम ऐसा कुछ करने लग जाते हैं तो फिर ध्यान बाहरी क्रिया बन जाती है, और जो बाहरी क्रिया हो गई वो भीतर की स्थिति कभी बन ही नहीं सकती। जैसे आप झाड़ू लगा रहे हैं घर में, या भोजन बना रहे हैं, या कोई भी बाहर का काम कर रहे हैं, तो जरा विचार करिए, क्या आप बाहर के किसी भी कार्य को करते वक्त यह सोचते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है,
मैं बाहर काम में बिजी हूँ, इसलिए मैं श्वास दो दिन के बाद ले लूँगा, श्वास लेने का समय नहीं। कि मैं नहाने जा रहा हूँ श्वास नहीं ले सकता, कि मैं खाने जा रहा हूँ श्वास नहीं ले सकता, कि मैं हॉल की सफाई कर रहा हूँ श्वास नहीं ले सकता, ऐसा कोई नहीं सोचता। क्योंकि श्वास लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, वो खुद आती और जाती है, वो निरंतर चल रही है। आप आदमी बेहोश हो तो भी चल रही है, आदमी निद्रा में है तो भी चल रही है, आदमी बिजी है तो भी चल रही है, आदमी सत्संग कर रहा है तो भी चल रही है, आदमी किसी की हत्या कर रहा है तो भी चल रही है, श्वास 24 घंटे चल रही है। सदगुरु कबीर इसी बात को कहते हैं कि ध्यान को श्वास की तरह बना लो। कुछ भी करने के बाद ध्यान छूटना नहीं चाहिए। हम करते ये हैं कि ध्यान को क्रिया बना लेते हैं, पूजा को क्रिया बना लेते हैं, और जैसे ही कोई चीज़ क्रिया बनती है वो बाहर से जुड़ जाती है, वो भीतर से उसका संबंध खत्म हो जाता है। जब हम सत्संग को बाहर करने लग जाते हैं तो भीतर सत्संग की कोई उपस्थिति नहीं रहती। जब हम ध्यान को बाहर समय में बांधते हैं, बाहर की अवस्थाओं में बांधते हैं, उसको क्रिया समझ के करते हैं, फिर भीतर से उसकी मौजूदगी खत्म हो जाती। तो जहां एक और ये कहा गया कि ध्यान के लिए इतनी चीजें चाहिए, तो लोगों ने कहा ये हमसे कैसे हो सकता है, हम तो सामान्य परिवार में रहते हैं, गृहस्थ जीवन में रहते हैं, कमाना खाना रहता है, आना जाना, बच्चों को देखना, सामाजिक कार्यों में संलिप्तता रहती है, हम तो ध्यान कर ही नहीं सकते। तो सदगुरु कबीर ने कहा छोड़ो पुरानी बातें, मैं बता रहा हूँ ध्यान कैसे करना है। तब साहब कहते हैं शब्द निरंतर मनुआ राता, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कभो न छूटी ऐसी तारी लागी। वे कहते हैं ध्यान तो ऐसी प्रक्रिया है जो सोते जागते उठते बैठते कभी छूट ही नहीं सकता। ध्यान का अर्थ ही है आप अपने दृष्टा बन जाइए, ध्यान का अर्थ ही है आप अपने इंद्रियों का मालिक बन जाइए, अपने मन का दृष्टा बन जाइए, अपने कर्मों का दृष्टा बन जाइए, अपने विचारों का दृष्टा बन जाइए। बात बिगड़ती तब है जब हम दूसरों का दृष्टा बन जाते हैं। अब हम पड़ोसी का दृष्टा बने बैठे हैं कि पड़ोसी का बेटा क्या कर रहा है, पड़ोसी क्या कर रहा है, वो गाड़ी कब खरीद लिया, वो घर क्यों बना लिया, उसके पास इतनी ज़मीनें कैसे आ गई, उसका इतना मकान कैसे हो गया, इतना पैसा कहाँ से आ गया, पूरा लेखा जोखा हम पड़ोसी का रख रहे हैं, दूसरे का पूरा विवरण हम तैयार करके रखे हैं। मिलना कुछ नहीं है, एक चौराहे पर एक आदमी बैठा है, गाँव की गायों को गिन रहा है कि कितनी गायें हैं, रोज रजिस्टर बनाता, उसमें लिखता कि हाँ अमुक आदमी के पास 10 गायें हैं, अमुक के पास 20 गायें हैं, शाम को पूरा हिसाब किताब करके चौराहे में बैठ के बताता कि मुझे सब की गायों का पता है, फलां आदमी के पास 10 गाय है, फलां के पास 15 है, फलां के पास 5 है, इस तरह इस गांव में कुल 500 गाय है, उतने ही बछड़े हैं। आदमी कुछ जो मूर्ख है वो ताली बजाता, वाह क्या गणित है तुम्हारा, कितनी मेहनत की है तुमने। पर समझदार कहता इतनी गायों को गिनने के बाद दोपहर से शाम तक और बल्कि सुबह से शाम तक तुमने गायों को गिना है, लिखा है, शाम होते होते एक आध ग्राम दूध मिला पीने के लिए, कहा नहीं वो तो नहीं मिला क्योंकि अपनी गाय ही नहीं है। कहा फिर क्या मतलब ये 500 गाय गिनने से, अरे तुम्हें गिनने की जरूरत क्या है, एक गाय तुम भी खरीद लो, कम से कम दूध तो मिलेगा, तुम गिने चले जा रहे हो शाम तक, हिसाब लगाए जा रहे हो, मिलना कुछ नहीं, पड़ोसी का फसल बढ़िया है, तुम्हारे खेत में तो घास उगी है, क्या मिलेगा, देखना है अपने खेत को, देखो कि उसमें घास है कि फसल है, अपने पास गाय है दूध देती है कि नहीं देती। साहब ने कहा हम दूसरों का दृष्टा बनने में बड़ा रस लेते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है, कि दूसरे की अगला प्लानिंग क्या है, हम इतना तक रुचि रखते हैं कि दूसरा आदमी अब करना क्या चाहता है। दृष्टा स्वयं का जब हम बन जाते हैं ध्यान घटित होने लगता है। और ध्यान योग की जो बातें आती है, तो अभी वर्तमान में आपने देखा है कि योग थोड़ा प्रचलित हुआ, कुछ हमारे संतों ने, कुछ महर्षियों ने वर्तमान में योग को घर घर तक पहुंचाया, जिसमें पहला नाम स्वामी रामदेव जी का आता है कि योग को उन्होंने बहुत प्रचलित कर दिया। लेकिन लोगों ने उस योग का भी एक अंग ही ग्रहण किया, योग को संपूर्ण ग्रहण नहीं किया। योग का जो एक छोटा सा अंग है आसन एक्सरसाइज, उसको ग्रहण कर लिया,
योग को संपूर्ण रूप से ग्रहण नहीं किया, जो योग हमारे मन को संतुलित कर सकता है, जो योग हमें समाधि तक ले जा सकता है, आदमी उसके प्रति कभी जागरूक ही ना हो पाया। जागृति आई योग के संबंध में तो उसको आसन के रूप में ले लिया कि कैसे अंग को टेढ़ा मेढ़ा करना है, उठना बैठना है, शरीर को स्वस्थ रखना है। शरीर को स्वस्थ रखना है, इसके प्रति आदमी जिम्मेदार हो गया और हो रहा है। मन को कैसे स्वस्थ रखना है, आदमी इसके प्रति बेहोश है। मन की स्वस्थता, मन की पवित्रता के प्रति आदमी बेहोश है, जबकि असली समस्या मन की बीमारी में है। जब मन बीमार होता है क्रोध जागृत होता है, मन बीमार होता है जातिवाद का जहर पनपता है, मन बीमार होता है छुआछूत का भाव जागृत होता है, मन बीमार होता है छल कपट ईर्ष्या द्वेष जागृत होता है। और जब मन स्वस्थ होता है तो सदैव सत्य हिंसा प्रेम करुणा के दीप जलते हैं। मन स्वस्थ होता है तो सेवा साधना का भाव जागृत होता है। मन स्वस्थ होता है तो सब घट मेरो साइयां सुनी सेजना को, ये भाव जागृत होता है। इसलिए हमारे संतों ने कहा कि मन को भी स्वस्थ करना है उसी योग से। लेकिन विडंबना यह है कि योग प्रचलित भी हुआ तो आधा अंग उसका पकड़ लिया, थोड़ा सा अंश पकड़ लिया, बाकी छोड़ दिया। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ये समझें जो सदगुरु कबीर ने कहा कि ध्यान स्वयं का दृष्टा बनना है। हम अपना दृष्टा बन सकें, अपने मन का दृष्टा बन सकें। जब आप बैठें उठें कहीं भी आपको लगता है कि उस अवस्था में आप उद्विग्न हो रहे हैं, उद्वेगित हो रहे हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या छल कपट का भाव जागृत हो रहा है, कुछ पल के लिए आंखें बंद कीजिए और स्वयं का अवलोकन कीजिए, मन को देखने की चेष्टा कीजिए कि ये मन दूसरों को क्यों देख रहा है, क्या मिल जाएगा। उस वक्त थोड़ी सी गहराई में उतर के सोचिए कि जो मन में विकार उठ रहे हैं इसका कारण क्या है और क्यों दूसरों के लिए उठ रहा है, उससे हमारा संबंध क्या है। प्राण निकल जाएगा, सब कुछ यहीं धरा रह जाएगा। ये मन रूपी साधन तो हमें स्वयं को देखने के लिए मिला था, अपने उत्थान के लिए मिला था, भक्ति मार्ग में चलने के लिए मिला था। हम इसका प्रयोग गलत कर रहे हैं। मन का उपयोग हम दूसरे के दुखों और दूसरों के कष्टों को देखने में कर रहे हैं, दूसरे के बुराई को देखने में कर रहे हैं, और देखते भी इस भाव से हैं जैसे दूसरे का दुख देख लिए तो हंस रहे हैं, दूसरे का कष्ट देख लिए तो मुस्कुरा रहे हैं। उस संवेदना खत्म हो गई। जैसे कोई आदमी खड़ा हो जाता है चौराहे पर, कहीं झगड़ा हो रहा है, आप अनुभव किए होंगे, कहीं विवाद हो रहा है, तो वो आदमी वहां खड़ा होता है झगड़े को निपटाने के लिए नहीं, उसको मिटाने के लिए नहीं कि झगड़े रोक दें, वो उसका मन उत्सुक हो रहा है कि हम थोड़ा देखें कि आपस में लड़ाई होती है कि नहीं। वो 10 मिनट इमरजेंसी में है फिर भी 10 मिनट खड़ा हो जाता है, और देखते देखते जब ये देखता है कि झगड़ा बिना मारपीट के समाप्त हो गया तो वो सिर पर हाथ रखता है, वो मेरा 10 मिनट बर्बाद हो गया, हम तो सोचे थे किसी का हाथ पांव टूटेगा, मजा आएगा, चल देंगे। उसको उत्सुकता हो रही है दूसरे के नुकसान में, दूसरे के विवाद में, दूसरे के मारपीट में। साहब ने कहा ये हमारी मन की अवस्था है कि हम दूसरे में रस लेने की चेष्टा करते हैं, हमें दूसरे में रस मिलता है जो कि किसी काम का नहीं है। अंतर्मुखी जब हम होते हैं, अपना दृष्टा बनते हैं, तो हमें महारस मिलने लगता है, ज्ञान का, शांति का। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम समझें कि ध्यान हम सबके लिए जरूरी है। ध्यान हम सबके लिए एक स्थिति की भांति है, वो क्रिया नहीं है। ध्यान को हम स्थिति बनाएं, ध्यान हमारी साधना बन सके, ध्यान हमारे 2400 घंटे श्वास की तरह आचरण में उतर सके। और जब ध्यान 2400 घंटे उतर जाएगा तो हमारी हर क्रिया, बाहर की सारी हमारे सारे प्रयास व्यवस्थित हो जाएंगे, हमारा सारा कर्म पूजा बन जाएगा। तो हम सबको भी यह विचार करना है कि ध्यान कठिन नहीं है, सरल है, और इसे हम सब कर सकते हैं, कहीं भी रह के कर सकते हैं, मन की पीड़ाओं से मुक्त हो सकते हैं, तमाम समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। इस पर और विस्तृत चर्चा आगे के सत्रों में किया जाएगा।
तब हम इस विषय पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि अक्सर एक बात आती है, शरीर के लिए ध्यान या ध्यान के लिए शरीर, अर्थात ध्यान के लिए जीवन या जीवन के लिए ध्यान, क्या जरूरी है? हम अपने जीवन के लिए ध्यान करें या फिर ध्यान के लिए जीवन समर्पित करें, इसमें से क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा? जैसे कोई आदमी खेल खेलता है, क्रिकेट आदि का, तो गली मोहल्ले में खेलता है या सुबह शाम खेलता है, तो उसका उद्देश्य शारीरिक स्वास्थ्य होता है, मात्र मनोरंजन होता है। लेकिन वही व्यक्ति जब देश के लिए खेलने लगता है, तो देश का गौरव, देश की अस्मिता और देश की कीर्ति उसके लक्ष्य में आ जाता है। फिर वो स्वास्थ्य को लक्ष्य में नहीं देखता, फिर वो ये देखता है कि जिस विभाग में मैं काम कर रहा हूँ, इससे मुझे देश का नाम ऊपर ले जाना है। काम एक ही है, दायरा छोटा था, अपने आप में कर रहा था तो लक्ष्य अलग था, लेकिन जैसे ही दायरा बढ़ गया, वो देश के लिए करने लगा, तो खेल वही है, उद्देश्य बदल गया। इसी तरह से हमें आगे ये समझना है कि ये जीवन ध्यान के लिए है या ध्यान जीवन के लिए है। अभी फिलहाल इतना ही, बस।